शिवानी, आई हैव कम्प्लीटेड माई कोर्स फ्रॉम स्प्लिंटर डीजे स्कूल। शिवानी जी, आपका कोर्स कैसे हो गया? अच्छा था, 6 मंथ का कोर्स था, अच्छे से गए। FX, all this, 4 of them, use, and strip it, go on the strip now, yep. Now, go next, good, yeah, bada, later, yeah, slowly. वेव्स को कम ज्यादा करो उंगली रख के, ऐसा ज़ूम आओ, वाओ वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन डू इट, कम ऑन प्ले या क्लब ऑफ, शिवानी एक डॉक्टर भी हो और डीजेइंग भी कर रही हो, क्या रीजन था तुमको डॉक्टर के साथ साथ डीजेइंग करने के लिए? ऐसी क्या खास बात थी, क्या बता सकते हैं कि आप डीजेइंग में क्यों आई हो? एक अच्छी डॉक्टर हो, डॉक्टरी पढ़ाई भी कर रही हो और ऑलमोस्ट अभी एक डॉक्टर भी हो, तो व्हाई यू वांट टू कम इनटू डीजेइंग, डीजेइंग में क्यों आना चाहते हो? म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक के पैशन ने डीजे में लाया, तो पैशन ऑफ द म्यूजिक के वजह से तुम डीजेइंग में आ रही हो। और डीजेइंग ये सीखने के बाद तुम क्या करना चाहती हो शिवानी जी, खत्म होने के बाद तुम क्या करना चाहती हो? डीजे बनना चाहती हूँ। क्यों डीजे बनना चाहती हो? ग्लैमर, पैसे, क्या पैशन? कि म्यूजिक का पैशन है इसे डीजे बनना। बॉलीवुड से प्यार करती हो? ऑब्वियसली। ग्लैमर इंडस्ट्री तो अभी तक आ रही हो ग्लैमर में, तो क्या लगता है ग्लैमर को अपना पाओगी? यू विल बी एबल टू एम्ब्रेस ग्लैमर? या और ग्लैमर के साथ तो पैसा भी आएगा, अगर एक डीजे के साथ, डीजे तो एक अमीर रहता ही है, सो हाउ विल योर दिस विल बी हैंडल कर पाओगी ग्लैमर मनी, अपने डॉक्टर सबको संभाल सकोगी? हाँ। यहाँ पे तुमने स्प्रिंटर डीजे स्कूल जब यहाँ पे आई तो क्या रीजन था तुमको ज्वाइन करने का? क्या डीजे शुरू के नाम के वजह से तुमने ज्वाइन किया, क्या यहाँ पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से तुमने ज्वाइन किया? लेकिन जब तुम आई थी यहाँ पे तो कॉन्फिडेंट लेवल से ही आई थी, क्या रीजन था तुम यहाँ पे आई थी, स्प्रिंटर्स में आई थी? सर के नाम के वजह से ज्वाइन किया। डीजे सुर सर के नाम के वजह से तुमने आके यहाँ पे ज्वाइन किया। यूट्यूब में जाओ, कन्नो बीट गो टू द एफएक्स, कलर इफेक्ट दोनों साथ में घुमाओगे, दोनों आपको साथ में घुमाओगे, चलो उस बाजू, इस बाजू, बीच में लेना सेंटर में, नेक्स्ट इफेक्ट पे जाओ, चलो चलो effect noise, next effect off kar do udhar, chalo yahan pe jayenge, यहां से इफेक्ट चेंज करते रहो।
यहाँ से इफेक्ट को कम ज्यादा करोगे। चलो नेक्स्ट में जाओ, फेसर में जाओ, जाओ जाओ, जब स्क्रीन में आएगा तभी चेंज करने के लिए। ओके जाओ स्लोली, जाओ नेक्स्ट स्पाइरल, रुको रुको, यहाँ से कम ज्यादा और कम, बढ़ाओ बढ़ाओ। ओके नेक्स्ट इफेक्ट, कम बढ़ाओ, हाफ गुड वन, स्लिप मोड, स्लिप मोड दबाएंगे, वॉच बटन दबा दबा के रखा, उंगली छोड़ना नहीं, सेकेंड थर्ड, थर्ड वाले को वापस, थर्ड और सेकेंड, सेकेंड थर्ड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ छोड़ो, वन छोड़ो, सेकेंड नीचे दबा, हाँ दबाओ, गुड, उसका मीट पढ़ेंगे, गुड वन, लेवल पे ध्यान रखो, गुड द इफेक्ट, बीट इफेक्ट्स ऑन द स्क्रीन, गुड लास्ट वन फ्लैंजर ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, बस स्लो और स्लो, बस होल्ड आउट, आउट पिच, बहुत गुड पे लीप, डक उंगली दबा के छोड़ देना, होल्ड होल्ड दबाओ, हटा वहां से लूप खोल दो, उसका मीट पढ़ाओ, उसका मीट मीट उसका उसका, खोल देंगे यहां पे भी, उधर ये बटन दबा लो जो मैं दबा रहा हूं, उधर उधर विनाइल। इंटर डीजे स्कूल जब यहां पे आई तो क्या रीजन था तुमको ज्वाइन करने का, क्या डीजे शुरू के नाम के वजह से तुमने ज्वाइन किया, क्या यहां पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से तुमने ज्वाइन किया, लेकिन जब तुम आई थी यहां पे तो कॉन्फिडेंट लेवल से ही आई थी, क्या रीजन था तुम यहाँ पे आई थी, स्प्रिंटर्स में आई थी, सर के नाम के वजह से ज्वाइन किया, डीजे सुर सर के नाम के वजह से तुमने आके यहाँ पे ज्वाइन किया, और अभी ये ट्रेनिंग तुम्हारी कैसी हो रही है? अच्छी जा रही है, पहले से अच्छी जा रही है, ट्रेनिंग अच्छी है। हाँ। और तुमने काफी अभी न्यू टेक्नोलॉजी भी सीखा है, जैसे कि अभी तुमने ये एक्स डीजे आर एक्स थ्री प्लेयर है इसके ऊपर ट्रेनिंग किया है, और थोड़े बहुत और न्यू इक्विपमेंट्स के ऊपर ट्रेनिंग, क्या लगता है तुमको सारे डीजेस लोग को ओल्ड टेक्नोलॉजी करना चाहिए क्या न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए? आई थिंक सबको न्यू टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए। दोनों पॉज एक साथ लेंगे नीचे, दोनों फेडर एक साथ स्लोली डाउन, चलो सुनिए जी, ऐसा क्या लगता है कि क्या लड़की लोग को डीजेइंग के फील्ड में आना चाहिए? इज डीजेइंग सेफ फॉर गर्ल्स? हाँ, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो। और क्या लगता है कि एक लड़की अच्छी डीजे बन सकती है? क्योंकि स्प्रिंटर्स की बहुत सी नामचीन आज बॉलीवुड में जो नामचीन डीजेस जो है फीमेल डीजेस है स्प्रिंटर्स के ही सब स्टूडेंट्स है, बहुत से बड़े बड़े डीजेस है फीमेल डीजेस है, क्या तुम भी उनकी तरह बड़ा बनना चाहती हो? हाँ ऑब्वियसली। और तुमको क्या लगता है स्प्रिंटर्स सेफ है लड़कियों के लिए, क्या तुम रिकमेंड करोगी तुम्हारे फ्रेंड्स लोग को स्पेशली लड़कियों को कि आके इस इंडस्ट्री में आओ और स्प्रिंटर्स ज्वाइन करो, हाउ सेफ यू फील एट स्प्रिंटर्स डीजे स्कूल? सेफ है, ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और कैसा है बिहेवियर, कैसा था सुर सर का, थोड़ा स्ट्रिक्ट है तुम्हारे साथ? हाँ, चिल्लाया इतने नहीं, हाँ तो एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट इज देयर, क्या आर यू हैप्पी विथ योर ट्रेनिंग? या एनी कंप्लेंट्स? नो। आर यू श्योर तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी तरह से हुई है? हाँ। ओके शिवानी जी, हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में तुम बहुत तरक्की करो, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, और हम चाहते हैं तुम बहुत पैसे कमाओ, नाम कमाओ, फेम कमाओ,
और इंडिया की नंबर वन फीमेल डीजे बनो. थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.